Hi, welcome to Ashoka English Study. You are watching this video on your favorite channel, Ashoka English Study. If you are not subscriber, please subscribe. And to get the latest notification, to press bell. चलिए दोस्तों, आज हम थर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसके बारे पढ़ेंगे। थर्नडाइक ने ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी एक मतलब बिल्ली, एक भूखे बिल्ली पर शोध कार्य किए। शोध कार्य करने के बाद जो प्रयोग करने के बाद शोध कार्य करने के बाद जो भी वो कार्य किए, उस कार्य करने के बाद जो रिजल्ट आया, उसमें उस रिजल्ट मतलब उस प्रयोग को उन्होंने नाम दिए। वो नाम जो दिए उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इन्होंने सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें से CTET और TET के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब UPTET रो या कोई भी TET हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं थर्नडाइक का सिद्धांत, थर्नडाइक का प्रयोग, कैसे इन्होंने प्रयोग किए और कैसे इन्होंने अनुक्रिया करके देखे, प्रक्रिया करके इन्होंने इसका प्रक्रिया क्या रहा वो देखे, और उस प्रक्रिया के बाद उन्होंने जो नियम दिए या जो सिद्धांत दिए वो देखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, अच्छा लगे तो। आज हम CDP चाइल्ड डेवलपमेंट का आज थ्योरी सेकंड पढ़ रहे हैं, जो लर्निंग है, लर्निंग का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे एक आई बटन होगा, या नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जिसमें से हम डिस्कस किए हैं इवान पालाव का थ्योरी। तो चलिए आज हम बात करते हैं थर्नडाइक। थर्नडाइक जो है, इन्होंने प्रयोग किए, क्या प्रयोग किए, एक भूखे बिल्ली पे प्रयोग किए। इन्होंने एक भूखे भूखे प्रयोग किए और उस प्रयोग के नाम जो दिए इन्होंने, इन्होंने नाम क्या दिए, उद्दीपक। क्या दिए, उद्दीपक, उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या दिए, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने प्रयोग किए एक भूखे बिल्ली पे, क्या किए, एक भूखे भूखे बिल्ली पे किए, क्या, भूखे बिल्ली पे किए, भूखे भूखे बिल्ली पे किए। उस बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया गया है और पिंजड़े के अंदर एक लीवर है, ठीक है, उस दरवाजा जो बंद है वो लीवर है, उस लीवर को सामने रखा गया है और उसको बाहर से, उसको देख रहे हैं फिगर में, उसको बाहर से जो है भोजन दिया जा रहा है। वो भोजन है चाहे मांस का टुकड़ा हो चाहे मछली का टुकड़ा हो, उसको भोजन दिया जा रहा है। तो भूखे बिल्ली पे किए, तो सबसे पहले इन्होंने भोजन दिए, ठीक है, वो भोजन जो दे रहे हैं, भोजन दिए बिल्ली को, बिल्ली ने उछल कूद करने लगे, क्या, उछलने लगे, उछल कूद, उछल कूद करने लगी बिल्ली, क्या, उछल कूद करने लगी। यहाँ भोजन जो है, भोजन यहाँ क्या है, उद्दीपक है, क्या है, उद्दीपक है, भोजन यहाँ उद्दीपक है। भोजन को देखकर बिल्ली उछल कूद कर रहे हैं, उछल कूद क्या कर रहे हैं, ये अनुक्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं, बिल्ली क्या कर रही है, अनुक्रिया कर रही है, उछल कूद कर रही है, अनुक्रिया कर रही है। इंग्लिश में बात करेंगे स्टिमुलस है दीपक, उद्दीपक, और अनुक्रिया का बात करें रिस्पॉन्स। भोजन को देखकर बिल्ली बार बार उछल कूद कर रही है, बार बार उछल कूद कर रही है, उछल कूद कर रही है, कभी देख रहे हैं कि पिंजड़े को, कभी पिंजड़े जो है उसको लोहे का जो दिया हुआ उसको ताड़ रहे, तो कभी कहा जो लीवर भी दिया हुआ, तो उन्होंने बार बार करते 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 संयोग से, क्या, संयोग से लीवर जो है दब गया, संयोग से लीवर दबा तो बिल्ली बाहर आई और बाहर आके खा गए। तो इन्होंने देखा इस तरीके से बार बार, इन्होंने 2-3 बार 4 बार 5 बार 6 बार करते रहे, तो संयोग से वो धीरे 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 वो सीख गए। दूसरा बार किए तो सीखे, तीसरा बार किए, फर्स्ट बार जो किए तो उसमें काफी समय लगा था, सेकेंड बार के तो समय कम हो गया, तो उसका अनुक्रिया जो है, अनुक्रिया करने का कम हो गया, मतलब थोड़ी अनुक्रिया करती है और बिल्ली भोजन खाती है। इस तरीके से बार बार उन्होंने सीख गया, अब जो है एक मिनट में ही लीवर दबाती है और बाहर जाके वो खा जाती है, जो भी भोजन दिया जाता है वो खा जाती है। इस तरीके से वो अब जो है 4 बार 15 बार 20 बार इस तरीके से वो सीख गई। इसका मतलब अधिकम करता क्या हो गया, बिल्ली,
बिल्ली जो है सीख गई, क्या सीख गए कि इसको दबने से, लीवर दबने से मेरा पिंजरा खुल जाता, दरवाजा खुल जाता, हम भोजन खा लेते हैं। इस तरीके से ये सीख गए। तो ध्यान दीजिएगा, उछल कूद करना मतलब अनुक्रिया करना। पहला जो उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करना, उन्होंने पहला सिद्धांत जो दिए उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, क्या दिए उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद उछल कूद करना, उछल कूद बार बार उछल कूद कर रही थी, बार बार बिल्ली उछल कूद कर रही थी, लेकिन लीवर नहीं दब रहा था। लेकिन संयोग से क्या हो गया, संयोग से मतलब संयोग, ठीक है ना, या हम बोलते हैं संयोजन, ठीक है, संयोग से संयोजनवाद, संयोग से पिंजड़ा का जो लीवर है, पिंजड़े में जो दरवाजा का जो लीवर है वो दब गया। दबा तो वो पिंजड़ा का जो दरवाजा खुल गया बिल्ली का, संयोग से दबा, तो इसको यहाँ से निकलता है एक दूसरा जो संयोजनवाद का सिद्धांत। क्या है, संयोजनवाद का सिद्धांत, दूसरा जो इसका सिद्धांत निकला संयोजनवाद का सिद्धांत। ये पहला था आपका सिद्धांत, दूसरा इसका वो सिद्धांत का नाम हो गया, तीसरा हो गया। तीसरा बात करें कि ये जो स्टिमुलस, उद्दीपक को स्टिमुलस बोलते हैं और अनुक्रिया को रिस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे रिस्पॉन्स के बात करें, रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस जो उद्दीपक है, स्टिमुलस उद्दीपक और स्टिमुलस, ये दोनों के बीच में, जब भी दोनों के बीच में जब भी संबंध अच्छी होगी तो जब भी संबंध अच्छी होगी तो अधिगम, जो अधिगम सबसे अच्छी होगी। अगर उद्दीपक और अनुक्रिया के साथ में एक एक साथ में जो संबंध अच्छी होगी तो अधिगम की प्रक्रिया या अधिगम की प्रक्रिया वो सबसे अच्छी होगी, मतलब सीखने के अधिगम अच्छा होगा, है ना, बढ़िया होगा, सबसे अच्छा होगा अधिगम। अगर उद्दीपक और अनुक्रिया एक साथ में अगर होता है, मतलब मजबूत होता है, अगर उद्दीपक और अनुक्रिया मजबूत होगी तो उद्दीपक और अनुक्रिया मजबूत होगी तो अधिगम है, लर्निंग जो है सबसे अच्छी होगी। मतलब कहने का मतलब ये दोनों के बीच में क्या होगा, अच्छे संबंध होगा तो अधिगम अच्छी होगी। तो इसमें यहाँ से एक निकलता है संबंधवाद, ठीक है, संबंध का सिद्धांत। क्या है, संबंध का सिद्धांत। इन्होंने ये तीसरा सिद्धांत दिया, तीसरा सिद्धांत का नाम था संबंध का सिद्धांत, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों, अगर दोनों दोनों के बीच में अच्छी होगी, दोनों के बीच में जब अच्छी होगी तो अधिगम, मतलब अधिगम जो अधिगम है उस अधिगम में सबसे अच्छी होने लगेगी, ठीक है, सबसे अच्छी अधिगम होगा। अगर ये दोनों के बीच में, अच्छी संबंध होने से अधिगम सबसे अच्छी होगी। इस तरीके से इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट। फिर देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी के साथ में और भी जो है, और भी है। उसके बाद इन्होंने ये इतने किए, उसके बाद बात करें ये दोनों, और इन्होंने थर्नाडाइक, उसके बाद ये संबंध हो गया। यहाँ से जो एक इन्होंने नियम दिए थे, क्या नियम दिए थे, ये नियम देख सीख लेते हैं। इन्होंने तीन जो है मुख्य नियम दिए थे, तीन जो है नियम, जो मुख्य नियम जो है, मुख्य नियम इन्होंने तीन नियम दिए थे। पहला नियम इन्होंने दिए थे, पहला जो आपको नियम था तत्परता का सिद्धांत, सॉरी तत्परता का नियम। दूसरा आपका था प्रभाव का नियम। दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका बात करें कि दूसरा आपका अभ्यास का नियम, क्या था, अभ्यास का नियम। तीसरा आपका था प्रभाव का नियम। सभी में नियम है, ठीक है ना, प्रभाव का नियम। इन्होंने मुख्य नियम तीन दिए थे और गौण नियम पांच दिए थे। गौण नियम जो है इन्होंने पांच दिए थे। कौन कौन गौण नियम है, जिसमें से गौण नियम की बात करें तो गौण नियम जो है पांच था। गौण नियम कितना था, तो पांच। गौण नियम क्या क्या था, पहला जो आपका गौण नियम था, गौण नियम बहु अनुक्रिया, क्या था, फर्स्ट बात करेंगे बहु अनुक्रिया। पहला जो आपका बात करें, जो गौण नियम था आपका, पहला बात किया जाए
तो पहला आपका गो नियम, उसके बाद जो है पहला आपका बहुअनुक्रिया नियम, दूसरा आपका है पहला के बाद के बहुअनुक्रिया नियम, दूसरा है मनोवृत्ति नियम। क्या है? मनो मनोवृत्ति नियम। क्या है? मनोवृत्ति नियम, मनोवृत्ति नियम दूसरा।